देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी के सभी हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने जेल से रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे राजीव गांधी के सभी 6 हत्यारे यानी कि नलिनी श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन, संथम, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार करीब 30 साल बाद जेल से आजाद हो गए हैं। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस बिना पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सभी हत्यारों को रिहा करने का ये आदेश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजीव गांधी हत्याकांड पर क्या होगा असर, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राजीव गांधी की हत्या के एक दोषी एजी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मई 2022 में ही रिहा किया गया था। रिहाई के वक्त पेरारीवलन करीब 31 साल जेल में गुजार चुका था। पेरारीवलन की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लिया था, जिसमें किसी मामले में संपूर्ण न्याय की व्याख्या की गई है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या के बाद 11 जून 1991 को पेरारीवलन को गिरफ्तार किया गया था। तब उसकी उम्र महज 19 साल थी। केस की सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने जनवरी 1998 में पेरारीवलन को फांसी की सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मई 1999 में दिए अपने फैसले में पेरारीवलन की फांसी की सजा जारी रखी, लेकिन पेरारीवलन को फांसी नहीं हो पाई और साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन की फांसी की सजा को भी उम्रकैद में तब्दील कर दिया। लेकिन फिर पेरारीवलन के अच्छे चाल चलन और संविधान के आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने 18 मई 2022 को पेरारीवलन को रिहा कर दिया। पेरारीवलन की इसी रिहाई को आधार बनाया राजीव गांधी हत्याकांड की एक और दोषी नलिनी श्रीहरन ने। नलिनी श्रीहरन भी पेरोल पर बाहर है और वो भी करीब 30 साल का वक्त जेल में गुजार चुकी है। नलिनी ने पेरारीवलन की रिहाई को आधार बनाकर खुद की रिहाई की गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से की थी। नलिनी ही वो महिला है जिसे सोनिया गांधी ने अपने पति राजीव गांधी की हत्या का दोषी होने के बाद भी माफ कर दिया था और इसकी वजह ये थी कि नलिनी गर्भवती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी को माफ नहीं किया था और उसकी उम्रकैद की सजा चल रही थी, जो कि पहले फांसी थी और बाद में उम्रकैद में तब्दील की गई थी। लेकिन जब 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन को रिहा किया तो नलिनी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहां पर उसकी याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने यह माना कि उम्रकैद की सजा काट रहे लोग 30 साल से ज्यादा समय जेल में गुजार चुके हैं और अब वो सभी रिहाई के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को रिहाई का आदेश दिया और कहा कि अगर इन लोगों के ऊपर कोई दूसरा और मामला लंबित नहीं है तो इनका जेल में बने रहना जरूरी नहीं है और इन्हें तत्काल रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आने के 1 घंटे के अंदर ही राजीव गांधी के बाकी के सभी 6 हत्यारे यानी कि नलिनी श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन, संथम, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार जेल से रिहा हो गए। हालांकि इनकी रिहाई के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पत्र जारी कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त देश की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा है। कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। हालांकि तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी डीएमके ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन अब रिहाई सुप्रीम कोर्ट से हुई है तो जाहिर है कि अब इस केस में कुछ बचा नहीं है और अब राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने से संपूर्ण न्याय हो गया है। तो आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।